बाद में क्वारंटीन तो सबको किया ना, तो उसको और फैला दिया विस्तार से। कई बार देश की नीतियां गलत हो जाती है, संसार में नीतियों का पता नहीं चलता, हम इसको किस तरह से लागू करें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के होते हुए भी ऐसा काम हो गया बेवकूफों वाला। ठीक है, लोग सड़कों पे मारे मारे फिरे, किसी को कुछ ना मिले, सबका अनादर हो गया, टूट गए, बहुत सारे लोग मर गए, ये कई बातें होती है ना। जैसे डॉक्टर जिस मशीन के बल पे ऑपरेशन कर रहा है, वही मशीन अगले दिन उसके टेस्ट को कुछ और दिखा देती है, और डॉक्टर फिर भी ऑपरेशन कर देता है। जो झूठा है आप उसकी शरण ले रहे हो, उसकी मशीन झूठी होती है डॉक्टर की, नहीं समझे आप। पहले सुनिए मेरी बात, पहले क्या किया डॉक्टरों ने, अल्ट्रासाउंड किया, कभी नहीं बताया। 9वें महीने में जाके जब गर्भ पूरा हो गया, जब महिला को बता रहे तेरे बच्चे की तो गर्दन की हड्डी नहीं है, बाहर कैसे आएगा, ये तो ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा और मरा हुआ होगा, क्या होगा, सुन लो मेरी बात। पहले चार, उसमें उनको पता नहीं चला, चार पांच अल्ट्रासाउंड, लास्ट में जाके ये बात बता रहे, कहे आदमी के साथ खेला कर रहे हो भाई, जब तुम्हें कुछ आता धाता नहीं तो अपने औजार पजार रख रख के बैठ जाओ, ये पता ही नहीं है बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुई है, और इलाज कर रहे हो किस चीज के, पथरी की वजह से, रसौली की वजह से कराए थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, हिमालयन हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ का, वो एम्स के बराबर टक्कर का हॉस्पिटल है हिमालयन में, वहाँ लास्ट में कोई टेस्ट, ये टक्कर फर्श में और बिल्डिंग में देते हैं, ये इलाज में टक्कर नहीं देते हैं, इलाज पिलाज कुछ ना। तेरी पत्नी को ठीक कर दिया, पैसे कितने ले लिए एक साल में, बात तो ये अभी सबके सामने ठीक करी है। आदमी अपने किसी भी रोग को महसूस करता है, दस्त लगेंगे वो बताएगा ना डॉक्टर मुझे दस्त लगा हुआ है, पेट में दर्द होगा वो बताएगा ना डॉक्टर मुझे पेट में दर्द है, शरीर में हलचल होगी अस्थिरता होगी वो बताएगा ना डॉक्टर साहब मेरा सिर भारी है, वही तो बताएगा डॉक्टर साहब मेरे कंधे जाम हो गए हाथ नहीं उठ रहे, कौन बताएगा। आदमी खुद मशीन है, उसका मन मशीन है, उसका हृदय मशीन है, वो पूरा ही मशीन है, तो जो मशीन है असली मशीन है वो नकली मशीन का सहारा क्यों ले। नकली मशीन ने आज कहा कि तुम्हें डिप्रेशन है, और उसी नकली मशीन ने एक दिन फिर कह दिया तुझे कुछ नहीं है, फिर क्या करोगे, कितने टेस्ट आपके सही होते हैं मुझे यही बता दो, बोलो कितने टेस्ट सही होते हैं। अरे कोरोना काल में भी एक ये बता रहा है कोरोना नहीं है इसको, और दूसरा ये बता रहा है कोरोना हो गया है। डॉक्टर इसको जवाब दे दिया, किस चीज का बोला है कि अब बचेगा नहीं, तू अपने घर में लेके जाओ सेवा जो करना है कर लो। क्या होता है इसको, भूखी होता है, उल्टी होता है, खाना नहीं खाता है। मैं तो एक बात बताता हूँ मेरी बहन, ऐसे यार जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया 20 आके बच चुके हैं बिल्कुल, और एक तो ऐसा था कि आज आया अभी जवाब दिया, पूरे शरीर में सोजन है, रोहतक PGI से आया, अगले दिन तक वो ठीक हो गया, अगले ही दिन ठीक हो गया, सारी सोई कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। फिर अरे भाई ये तत्व ही इतना खतरनाक है, इसकी कोई डॉक्टर के पास कोई पहचान नहीं है, और बिना रोग के इलाज करेगा तो खाएगा क्या। मैं अपने घर से सब कुछ से निकल गया हूँ, हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अभी इसका साथ में निकल जाता हूँ, फिर मेरा दामाद लिखवाया, आपका नाम बताया, ये कल आए जी, नहीं मैं आया हूँ हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, डेढ़ हफ्ता से ये भी यही है जी, तो इनको आराम करना चाहिए हर चीज में, कोई भी आदमी होगा उसको अगर निगेटिविटी होगी दर्द जरूर रहेगा, जैसे वो बहनी है उसको दर्द था, बिना गर्दन वो बिना लपेटे बैठी है ना, गर्दन ऊपर नीचे कर रही है ना, अब अगर पहले से स्वस्थ महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ अब तो गर्दन में रो नहीं लगा रही, अब तो तुझे मरने का भय नहीं लग रहा, या तो कल रोए रोए जा रही थी, डॉक्टर का काम रुलाना है बड़े भैया का काम रुलाना नहीं हंसाना है, इसलिए हंसाते रहते हैं पूरा दिन, नहीं समझे आया, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे को भूलना भी जरूरी है, सबका शरीर स्वयं नहीं बता देता है मुझे ये रोग है, कौन शरीर नहीं बताएगा मुझे रोग नहीं है, बताइए मुझे, बोलो मैं बोल रहा हूँ मेरे गले पे जोर पड़ रहा है तो मुझे पता है ना कुछ है, बोलो फिर
उसको डॉक्टर थोड़े ना बताएगा, मैं ही कहूँगा डॉक्टर साहब मेरे को बोलते हुए दबाव पड़ रहा है। कौन कहेगा? डॉक्टर ही पूछता है तुम्हें क्या हुआ। डॉक्टर फिर टेस्ट करता है, अच्छा भाई ये यहाँ तक हुआ है। फिर कई बार टेस्ट करता है, झूठी रिपोर्ट आ जाती है। कई बार वो कह देता है कि तुम्हें तो भाई वो हो गया है, डेंगू हो गया है। दूसरी रिपोर्ट करा ली तो टाइफाइड बता देगा। तो जिनकी मशीनें ही झूठी है वो झूठ के आधार पर ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब कभी कैंसर बता देता है, अगले दिन मना कर देता है। इतने भयानक गंभीर रोग के लिए भी उसके पास डिटेक्शन का कोई सही तरीका है ही नहीं। बताओ अगर उसने किसी को कैंसर बता दिया, अगले आदमी के हाथ पैर टूट जाते हैं, जमीन निकल जाती है पैरों की, और उसने 20 दिन के बाद अगर चेक कराया और फिर कैंसर नहीं निकला, फिर मतलब यही मरने जीने की खुशी मनाता फिर आदमी। और गुरुजी ये कितनी बड़ी बात है कि आज हजारों टेस्ट करने के बाद भी बीमारी का पता नहीं लगता, और एक जमाना ऐसा था कि नाड़ी देखकर पूरी शरीर की बीमारियों को बता दिया जाता था। नाड़ी यहाँ से पकड़ी जाती है वात पित्त कफ की। अब अगर वात पित्त कफ की नाड़ियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, उनका धड़कना ठीक नहीं है, और जिसमें दिक्कत है वैद्य आपको पहले बता देता था आपको वात की पित्त की कफ की बीमारी है। अब वैद्य आपका चेहरा देखता था, गला देखता था, तब वो चेहरे से और गले से ही भाप लेता था इसको श्वास की बीमारी है ठीक है या इसको कफ की बीमारी है ऐसे, और उल्टा आप बात करते थे आपके गले से पता कर लेता था कि आपको ये वाली। अब तो नहीं पता करते, अब आप क्या महसूस कर रहे हो देख लो, वही है सबके सामने। कल ही ठीक हुई है, और कल ठीक होने के बाद जो ही तत्व निकला पूरा शरीर फ्रेश हो गया, कोई बीमारी ही बाकी नहीं रही। ये निगेटिव की है, ऐसे देश का भविष्य सुधरेगा। आगे रहना तो क्रिश्चियन बनने से देश का भविष्य सुधरेगा। इसलिए अगर अपना कोई बीमार हो जाता है, उसको भूत प्रेत की बाधा आ जाती है, तो टोको मत, उसका साथ दो, है उसको विश्वास में लो, उसको बताओ कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, एक दिन बाहर निकल जाएगी, भगवान का नाम लो तब। अरे वो हैलेलुया करे ठीक है, तुम नहीं करो। वे कम से कम उस आदमी को सहारा देते हैं जो पीड़ित है, और तुम उस आदमी को नकारते हो जो पीड़ित है। तुम कह देते हो तो ढोंग है, ढकोसला, अंधविश्वास है। इसलिए तुम्हारी पढ़ाई फ्री है, तुम अनपढ़ के बराबर हो, और जो पढ़े लिखे हैं वो ये कहते हैं नहीं तुम आ जाओ हमारे मसीह इसको निकाल देंगे शैतान को तुम्हारे को। जबकि 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं MBBS बनने के लिए। वो तो 2000 करोड़ कमाएगा उसको मतलब नहीं है। भारत के डॉक्टर के बारे में पूछो तो कोई भी बता देगा कि ये ठगी का व्यापार है। कोई भी राह चलता आदमी बता देगा ठगी के लिए बना रखे है। आगे ना तो इस देश के प्रधानमंत्री को ही शर्म आनी चाहिए कि जिसके लिए, जिस चिकित्सा के लिए देश का इतना सर्वाधिक पैसा जाता है, बर्बाद होता है, उस चिकित्सा को कम से कम इतना समूद कर दिया जाए, कोई देख के ये ना कहे कि ये ठगी का व्यापार है। जैसे आज यूपी पुलिस के लिए कौन सा शब्द करेगा, ये कहेगा कि ये पुलिस का वो है या ये वो है, खाने वाला, पैसा खाने वाला है, कि पुलिस तो यही है, नहीं कह सकता ना आज। तो ऐसे परंपरा बदलनी चाहिए ही चाहिए, और पड़ेगी भी। आज पुलिस वालों को भी गर्व होने लगा है कि हम यूपी में पुलिस का काम करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा बदनाम थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। सबसे ज्यादा बदनाम थी, ये तो अपने पत्रकार में होते हैं, इन्होंने तो देखा होगा, इंटरव्यू भी लिया है। इन्होंने तो 7 साल 8 साल पहले एक ऐसी वीडियो भी डाली थी जिसमें यूपी पुलिस का एक आदमी दारू पी के एक औरत को बाहों में भर रहा है जबरदस्ती। जी जी, जिस पर 40 लाख व्यूज, जिसके 40 लाख व्यूज है, इन्होंने ही डाली थी। और आज यूपी पुलिस में कोई ऐसा करने की सोच सकता है? नहीं कर सकता। पहले उसका दिमाग रोंदेगा, यार तू क्या करने जा रहा है। अगर दारू पी के भी वो पकड़ा जाएगा, फौरन सस्पेंड होगा, सेकंड नहीं लगेगा, कौन से थाने का था, कहाँ का था और कैसा था। और तो हमारी स्थिति कम्बे के बदल जाएगी, हमें नहीं पता। कम्बे के हम हाजिरी से ही बाहर आ जाएंगे, हमें नहीं पता। कम्बे के हमारे सारे दर्द मिट जाएंगे, हमें नहीं पता। क्योंकि निगेटिविटी का वजन होता है, वो इतनी सूक्ष्म चीज़ है, वो डॉक्टर की किसी पकड़ में नहीं आने वाली। और डॉक्टर हमारा 1000 वर्षों तक भी इलाज करते रहे तो उससे हमारी कोई भी बीमारी पूर्ण रूप से कदापि ठीक नहीं होगी। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर रसोई का ऑपरेशन करता है। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर बच्चादानी निकाल देता है। निगेटिविटी पेट में जाती है, डॉक्टर पथरी बता के ऑपरेशन कर देता है। निगेटिविटी पेट में बैठती है, डॉक्टर कहता है पिताशय में बैठती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको पित्त की थैली में पथरी है, उसका ऑपरेशन कर देता है, उसको बाहर कर देता है। 30 साल की उम्र में क्या पथरी है। और इन भारत के डॉक्टरों की तो क्या कहो, 3 दिन में वो लड़का आने वाला है अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके, जिसको हृदय में भार है, हृदय में दर्द है, और हाथ में झंझनाहट है, और उसका पित्त की थैली निकाल के 31 साल में बाहर कर दी डॉक्टरों ने। हद है इस भारत के डॉक्टर की।
नलायकी की एक हद है, वो सीमा ये पार कर चुके हैं। केवल ठगी के संस्थान है, केवल लूट के संस्थान है। आप आते हो रोज वीडियो देखते हो मनु भैया, रोज लोग ठीक होते हैं। वो बीमारियां ठीक होती है जो डॉक्टर से कदापि होती नहीं थी। वो बीमारियां नहीं थी, वो निगेटिविटी थी जो मनु भैया ने निकाली है। और दुनिया का कोई हॉस्पिटल वाला आज तक चैलेंज करने वाला नहीं आया, भाई हमारे हॉस्पिटल में आओ, हमारे हॉस्पिटल में 500 मरीज है, इनमें से बताओ किसको निगेटिविटी है, है और किसको आप ठीक कर सकते हो। तो मैं तुरंत बताऊंगा मैं इसको ठीक करूंगा, और तुरंत बताऊंगा इसको मेरा लाभ हो जाएंगे, और तुरंत बताऊंगा कि देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, अभी तक इसको लाभ नहीं पड़े, अब कैसे पड़ते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है ये बात साबित करवाने के लिए, जिगरा नहीं है। उनकी कमाई जीरो तुल्य रह जाएगी, 0% रह जाएगी उनकी कमाई। जहाँ वे अरबों अरबों रुपये एक साल में कमाते हैं, वहाँ उनकी कमाई हजारों लाखों में रह जाएगी। बस कुल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे। पता चलेगा 90% जनता निगेटिविटी से जूझ रही है, जो हॉस्पिटलों में घूम रही है उनका 90% निगेटिविटी से जूझ रहा है। लेकिन आज भी तो जो लोग बिल्कुल लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वही लोग यहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे, इसलिए डॉक्टरों को कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, जब वो पहले पहुँचने लग जाएंगे तब परेशानी हो जाएगी जी। जब वो घर में अपना चेकअप करने लग जाएंगे और मानसिक स्तर पे जाप करने लग जाएंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि हमारे तो निगेटिविटी है, इलाज कहाँ होगा हॉस्पिटल, नहीं होगा ना। फिर इतनी देर कोई संकीर्तन करता था, आप ऐसे बैठ सकते थे, आप बिना दर्द के रह सकते थे, आपको बल नहीं लगता, भार नहीं लगता, लग सकता था, टूट गया। पहली बार इतनी देर खड़ी हुई। Yeah.